यूक्रेन जंग के मैदान से इस वक्त की बड़ी अपडेट आपको बता दें, यूक्रेन के खिलाफ जंग में रूस बुरी तरीके से उलझा हुआ है। कभी शह कभी मात का खेल यहाँ पर चल रहा है। कई बार रूस को इस युद्ध में भारी नुकसान भी उठाना पड़ा है। अब खेरसोन से पीछे हटने के बाद रूस के सैनिकों का टारगेट डोनबास का शहर बखमूत हो गया है। और बड़ी खबर ये भी सामने आ रही है कि बखमूत में रूस और यूक्रेन के सैनिकों के बीच जंग भयंकर हो गई है। यूक्रेन के सैनिकों का दावा यह है कि बखमूत में लड़ाई प्रथम विश्व युद्ध जैसी हो गई है। दावा यह भी किया गया है कि इस युद्ध में हर दिन करीब 100 रूसी सैनिकों की मौत भी हो रही है। यूक्रेन के बखमुत में जंग भयंकर। नरसंहार तक पहुंची बखमुत की लड़ाई। मौत की चक्की में रूस के सैनिक। रूस और यूक्रेन के बीच जंग के 10 महीने होने वाले हैं और इस जंग को जीतने के लिए पुतिन कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे। जिन 4 इलाकों में पुतिन ने रेफरेंडम करवाया था उन्हें अपने कब्जे में लिया था, अब वो इलाके भी उनके हाथ से लगभग निकल चुके हैं। लिहाजा पुतिन ने गुस्से में जंग तेज कर दिया। जिसके बाद जंग का नया मोर्चा डोनबास बन चुका है। इस क्षेत्र में दोनों सेनाओं के बीच जंग जबरदस्त हो चुकी है। इसी इलाके का एक शहर है बखमुत, जहां चारों तरफ मौत की चीखें और चित्कार सुनाई दे रही है। इस वक्त बखमुत के लिए दोनों सेनाओं के बीच भीषण जंग चल रही है और इस युद्ध के बीच यूक्रेन के सैनिकों ने बहुत बड़ा दावा किया है, जिसमें पुतिन को अपने सैनिकों को मौत के आगोश में झोंकने का आरोप लगा। यूक्रेन के एक सैनिक ने दावा किया कि बखमुत की लड़ाई प्रथम विश्व युद्ध जैसी हो गई है। रूस की सेना नरसंहार पर उतर आई है। आरोप ये भी है कि पुतिन ने अपने सैनिकों को मौत की चक्की में भेज दिया। दावा ये भी है कि बखमुत में हर दिन रूस के करीब 100 सैनिक मारे जा रहे हैं। चारों तरफ मौत की चीख है और सैनिकों के शव नजर आ रहे हैं। रूस के सैनिक शहर को खंडहर बना रहे हैं। करीब 70,000 घर खंडहर में तब्दील हो चुके हैं। बखमुत की लड़ाई के बीच यूक्रेन के सैनिकों ने जो आरोप लगाया है वो बहुत ही हैरान करने वाला है, क्योंकि ये भी कहा गया है कि पुतिन अपने सैनिकों को सिर्फ सैनिक समझते हैं, इंसान नहीं। तभी उन्होंने जंग जीतने के लिए उनको मौत के मुंह में धकेल दिया, क्योंकि पुतिन ने अपने नागरिकों से डोनबास को आजाद कराने का वादा किया। तभी पुतिन ने जीतो या मरो का फरमान जारी किया। पुतिन के इस फरमान के बाद से ही रूस के सैनिक और कादिरव के लड़ाकों ने जंग को तेज कर दिया। मारियूपोल के बाद बखमुत में मौत का तांडव मचाते नजर आए। Продовжила лінію заходів в нашій країні та в Європі, що відбулися цього і минулого тижня, і на яких ми напрацьовуємо рішення заради справедливості, заради притягнення Росії до відповідальності і заради пошуку форматів звільнення наших людей, яких окупанти отримують. LPR, यानी लुहांस्क पीपल्स रिपब्लिक के लड़ाके शामिल। लेकिन वो जंग की इस फ्रंट लाइन पर यूक्रेनी सेना की 40वीं अटली ब्रिगेड के सामने कुछ कर नहीं पा रहे हैं।
यूक्रेन की सेना की वही ब्रिगेड है जिसने न सिर्फ खार्किव की लड़ाई में रूस की फौज का डटकर सामना किया था, बल्कि राजधानी कीव की जंग के दौरान रूस की सेना को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया था। यूक्रेन की फौज ने भी ये दावा किया है कि रूस के सैनिक उन्हें बखमुत से पीछे धकेलने की हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो अपने मकसद में कामयाब नहीं हो पा रहे हैं, जिसके बाद रूस के सैनिक किसी भी हद तक जाने को मजबूर हो चुके हैं। रूस यूक्रेन वॉर जोन से एक और बड़ी खबर सामने आ रही है जिसमें रूस ने अमेरिका पर युद्ध में डबल गेम करने का आरोप लगाया है। रूस ने दावा यह किया है कि अमेरिका नहीं चाहता है कि युद्ध रुके, बल्कि इस युद्ध को 2025 तक अमेरिका खींचना चाहता है। रूस और यूक्रेन के बीच जारी जंग के थमने का इंतजार हर कोई कर रहा है। पूरी दुनिया शांति चाहती है, जिसे लेकर लगातार कोशिश की जा रही है। फ्रांस कई बार पुतिन से युद्ध को रोकने और बातचीत का प्रस्ताव रख चुके हैं, तो अमेरिका ने भी युद्ध रोकने की शर्त पर बातचीत के दरवाजे खोले, लेकिन अमेरिका की शर्त वाली शांति पर पुतिन भड़क गए थे और फिर 24 घंटे के अंदर ही बाइडेन के प्रस्ताव को खारिज कर दिया था। फिर अमेरिका ने बातचीत के दरवाजे बंद नहीं किए थे, लेकिन अब जो दावा किया है वो हैरान कर देने वाला है, जिसमें अमेरिका पर युद्ध के नाम पर डबल गेम करने का आरोप लगा है। युद्ध के नाम पर अमेरिका का डबल गेम, अमेरिका भड़का रहा, युद्ध किया। 24 फरवरी को रूस ने यूक्रेन पर हमला बोला था, जिसके करीब एक हफ्ते बाद से लगातार अमेरिका यूक्रेन की मदद कर रहा है। आर्थिक मदद के साथ साथ अमेरिका अब तक यूक्रेन को मिसाइल, बम, बारूद और डिफेंस सिस्टम मुहैया करा चुका है, जिससे रूस के कई गांव युद्ध के मैदान में उल्टे पड़ गए थे। और फिर आखिरकार रूस को कीव पर बड़े स्तर पर हमले करने पड़े। रूस ने ईरान के शायद 136 ड्रोन से एक के बाद एक हमले किए, जिसने कीव की सूरत बदल दी, और हमले के बाद से ही कीव अंधेरे से घिर गया, क्योंकि कीव के कई बिजली घरों को निशाना बनाया गया था। लेकिन इस हमले के दौरान भी अमेरिका की तरफ से मिले डिफेंस सिस्टम ने कमाल दिखाया था और कई हमलों को फेल कर दिया था, वरना कीव का वजूद मिटाने की पुतिन की ख्वाहिश पूरी हो जाती, जिसने पुतिन का गुस्सा सातवें आसमान पर ला दिया। लेकिन अब रूस ने अमेरिका को लेकर एक बड़ा दावा किया कि अमेरिका का मकसद युद्ध रोकना नहीं, बल्कि युद्ध को और भड़काना है। अमेरिका ने रूस पर बड़ा आरोप लगाया है कि अमेरिका शांति नहीं चाहता है, बल्कि करीब 3 साल तक युद्ध को खींचने की चाहत रखता है। इसके साथ ही अमेरिका पर आरोप लगाया है कि अमेरिका चाहता है कि 2025 तक रूस और यूक्रेन में युद्ध चलता रहे, और ऐसे ही महायुद्ध की आग में रूस और यूक्रेन जलते रहे। वैसे तो इससे पहले भी रूस ने अमेरिका पर युद्ध को भड़काने का आरोप लगाया है, लेकिन हाल ही में जैसे ही बाइडेन ने बातचीत के रास्ते रूस के लिए खोले और पुतिन ने बाइडेन के ऑफर को खारिज किया, हर तरफ पुतिन को विलेन के तौर पर देखा जा रहा था, जिसके बाद रूस ने उल्टा अमेरिका को विलेन बता दिया है कि बाइडेन का बातचीत का ऑफर सिर्फ एक दिखावा है, जबकि अमेरिका युद्ध को ज्यादा से ज्यादा भड़काना चाहता है। रूस के विदेश मंत्रालय ने अपने दावे में कहा कि अमेरिका ने यूक्रेन को हथियारों की नई खेप देने का ऐलान किया, एडवांस सरफेस टू एयर मिसाइल देने का अमेरिका का ऐलान। इसके साथ ही यूक्रेन के लिए $1.2 बिलियन के हार्डवेयर खरीदने का ऐलान भी किया है। यही नहीं, अपने दावे में रूस ने अमेरिका के साथ साथ पश्चिमी देशों को भी निशाने पर लिया, जिसमें रूस की तरफ से दावा किया गया कि ये युद्ध अमेरिका और नेटो देशों के लिए एक अवसर है,
जिसका लगातार फायदा उठा रही है और मदद के नाम पर जमकर भ्रष्टाचार कर रही है। अपने दावे में अमेरिका की तरफ से आए उस ऑफर का भी जिक्र किया जो बाइडन ने पुतिन के सामने रखा था। दरअसल बाइडन ने पुतिन के सामने बातचीत का एक ऑफर रखा था। बातचीत से पहले बाइडन ने पुतिन के सामने एक शर्त रख दी थी। युद्ध रोकने के बाद बातचीत का ये ऑफर था। खेरसोन से पीछे हटने के बाद भी पुतिन के तेवर ठंडे नहीं पड़े हैं। ऐसे में जो शर्त अमेरिका ने रूस के सामने रखी थी उस शर्त सिर्फ वही देश मान सकता है जो युद्ध में हार के मुहाने पर खड़ा हो। लेकिन अब तक पुतिन को देखकर लगता नहीं कि वो हार मानने के लिए तैयार है। ऐसे में दावा किया जा रहा है कि अमेरिका पहले से जानता था कि शर्त के साथ बातचीत का ऑफर रखा जाएगा तो पुतिन भड़क जाएंगे और उस ऑफर को ठुकरा देंगे, जिससे पूरी दुनिया में पुतिन की इमेज खराब होगी और फिर अमेरिका की युद्ध को खींचने की मनोकामना पूरी हो जाएगी। रूस के इस दावे ने अमेरिका समेत पश्चिमी देशों में हड़कंप मचा दिया है। मदद लेकर फंस गया यूक्रेन। जिस युद्ध को जल्द से जल्द रोकने की कोशिश में कई देश जुटे हैं, खुद यूक्रेन अब इस युद्ध से बाहर आना चाहता है। लेकिन अब वो इस दावे के साथ अमेरिका को तेवर नहीं दिखा सकता, क्योंकि अमेरिका ही है जिसने रूस के हमलों के खिलाफ अपने हथियारों को यूक्रेन के लिए सुरक्षा कवच बना दिया था और जब जब यूक्रेन को जरूरत पड़ी तब तब अमेरिका की खेप अमेरिका ने यूक्रेन को मुहैया कराई। लेकिन अगर इस दावे में सच्चाई है तो ये युद्ध और भी भयावह हो सकता है। वहीं जंग के मैदान से एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। यूक्रेन के सैनिकों का पलटवार तेज हो चुका है। जी हां, यूक्रेन की सेना ने रूस के दो टैंक को उड़ा दिया है और रूस के दो T-80 टैंक को यूक्रेन के सैनिकों ने तबाह कर दिया है। पहले टैंक पर टारगेट सेट किया, फिर उसे तबाह कर दिया। और बड़ी अपडेट आपको बता दें, रूस और यूक्रेन के बीच चल रही जंग में एक से बढ़कर एक आधुनिक हथियारों का इस्तेमाल किया जा रहा है। लेकिन इस बीच बड़ी खबर यह भी है कि यूक्रेन ने अपने 40 साल पुराने हथियार निकाल लिए हैं। रूस पर हमला करने के लिए यूक्रेन के सैनिक सोवियत जमाने के ड्रोन का इस्तेमाल कर रहे हैं। खबर है कि यूक्रेन ने घरेलू ड्रोन को मॉडिफाई करके सैकड़ों मील दूर रूस के ठिकानों पर हमला करने के लिए इस्तेमाल किया है। रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे जंग के 10 महीने होने वाले हैं और इस जंग में यूक्रेन को भारी तबाही हुई। उसके कई शहर खंडहर बन गए, खौफ में लोग पलायन करने लगे। लेकिन इस बीच जब यूक्रेन ने पलटवार किया तो रूस के सैनिकों के पांव उखड़ने लगे। यूक्रेन को जंग में पश्चिमी देशों से मिले हथियार बहुत काम आए, लेकिन ज़ेलेंस्की को सबसे ज्यादा काम में जो हथियार आया वो है उनका स्वदेशी ड्रोन। और इसी ड्रोन से यूक्रेन के सैनिकों ने रूस में खलबली मचा दी है। रूस के खिलाफ सबसे घातक हथियार युद्ध में ज़ेलेंस्की ने लिखी नई पटकथा। डूबते ज़ेलेंस्की को ड्रोन का सहारा। जंग में ज़ेलेंस्की की सेना रूस के हमलों का करारा जवाब देने के लिए अपने स्वदेशी ड्रोन का इस्तेमाल कर रही है, यानी ईरानी ड्रोन से टक्कर लेने के लिए अपने ही देश में बने ड्रोन से रूस को जवाब दिया जा रहा है। क्योंकि पिछले कुछ दिनों से हमले की जो तस्वीरें आई हैं वो यही बयां कर रही हैं। यूक्रेन के सैनिक रूस पर लगातार ड्रोन से अटैक करते दिखे। ये ड्रोन 1979 में बने सोवियत जमाने के हैं।
और इन्हें ही मॉडिफाइड करके सैकड़ों मील की दूरी पर रूस के ठिकानों पर हमला बोल दिया। जिन ड्रोन से रूस के ठिकानों पर हमला बोला गया उनमें से एक नाम है ट्यूपलोव TU-141, जबकि दूसरे ड्रोन का नाम है ट्यूपलोव TU-143। ट्यूपलोव TU-141 ड्रोन 1979 से लेकर 1989 तक सोवियत सेना में एक्टिव था और ट्यूपलोव TU-143 1980 के समय में सोवियत सेना का पार्ट था। दरअसल ये ड्रोन काफी भारी थे और इन्हीं वजह से इन्हें इस्तेमाल में नहीं लिया जा रहा था, लेकिन अब यही युद्ध में ज़ेलेंस्की की सेना के घातक हथियार बन चुके हैं। ट्यूपलो TU-141 मानव रहित जेट है। इसकी लंबाई 47 फीट से ज्यादा है। इसका विंग स्पैन करीब 12 फीट का है, ऊंचाई 8 फीट है, वजन 6000 किलो से ज्यादा है और रफ्तार 1100 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी ये करीब 1000 किलोमीटर तक वार करने में सक्षम है। रिटायर हो चुके दोनों ड्रोन यूक्रेन के हथियार डिपो में रखे हुए थे, जिसके बाद रूस के हमलों का जवाब देने के लिए यूक्रेन के सैनिकों ने इन दोनों ड्रोन को अपने हिसाब से अपडेट किया और उन्हें रूस के एयरबेस की तरफ लॉन्च कर दिया। हैरान करने वाली बात यह है कि इन ड्रोन हमलों को रूस अपने डिफेंस सिस्टम से पकड़ भी नहीं पाया था, यानी यूक्रेन को वो ताकत मिल गई जिससे पुतिन की सेना हर मोर्चे पर फेल होने वाली है। यूक्रेन की एक और अहम अपडेट आपको बता दें, पुतिन ने इस बार खुलकर अपने परमाणु प्लान के बारे में बताया है और पुतिन ने यह साफ कर दिया है कि वो परमाणु हमले के बारे में अभी सोच नहीं रहे हैं। दुनिया कुछ भी दावा करे, पुतिन ये नहीं मानते कि उनको जंग में कुछ हासिल नहीं हुआ। अमेरिका और ब्रिटेन के अखबार पुतिन के खिलाफ कितना ही प्रोपेगेंडा चलाएं, पुतिन मानते हैं कि जो टारगेट उन्होंने तय किया था वो हासिल कर लिया है। पुतिन कभी कच्ची गोलियां नहीं खेलते हैं। पुतिन का मैक्सिमम टारगेट यानी अधिकतम लक्ष्य तो पूरा यूक्रेन था, लेकिन पुतिन का मिनिमम टारगेट यानी न्यूनतम लक्ष्य आखिर क्या था जिसको पूरा माना जा रहा है? अगर जंग में कोई देश परमाणु बम का इस्तेमाल करना नहीं चाहता, और जैसा कि पुतिन दावा करते हैं कि वो परमाणु बम का इस्तेमाल कभी नहीं करेंगे, तो फिर आखिर पुतिन बार बार परमाणु बम का जिक्र क्यों कर रहे हैं? सवाल ये भी है कि अगर चर्चा ये हो रही है कि पुतिन की आर्मी यूक्रेन के अंदर जंग हार रही है, तो फिर आखिर पुतिन मेडल किस लिए बांट रहे हैं? आखिर किस जंग के शौर्य के सितारे पुतिन अपने सिपाहियों के सीनों पर लगा रहे हैं? इन सारे सवालों का जवाब तलाशेंगे, लेकिन सबसे पहले बात करेंगे पुतिन के उस बयान की जिसने वॉशिंगटन से लेकर कीव तक को दहला दिया है। अमेरिका और ब्रिटेन के अखबार जंग का खलनायक पुतिन को साबित करना चाहते हैं, लेकिन पुतिन पूरी आन बान शान के साथ मॉस्को के अंदर नायक की तरह मीडिया के सामने आए। उनके चेहरे पर हार वाले किसी पछतावे का भाव नहीं था। पुतिन कॉन्फिडेंट थे, मानो कुछ नहीं हुआ।
और उनका सबसे अहम बयान ये था कि रूस ने अपना टारगेट पूरा कर लिया है, रूस ने अजोव सागर पर अधिकार कर लिया है। आखिर क्यों अजोव सागर को हासिल करने पर पुतिन प्रसन्न है, आखिर क्या है अजोव सागर का महत्व, ये सब आपको समझाएंगे और बताएंगे। लेकिन पहले पुतिन का लेटेस्ट बयान सुनिए जो ज़ेलेंस्की और बाइडेन को काफी ज्यादा चुभ रहा है। Это серьезный вопрос. Значит, и ну чего ж там греха таить, и Азовское море стало внутренним морем Российской Федерации. Это серьезная вещь. Еще Петр Первый, да, но это другое. Петр Первый еще боролся за то, чтобы значит, выйти к Азовскому морю. Путин एक नाम लिया, Peter the Great. आखिर कौन है Peter the Great? पीटर द ग्रेट रूस के बड़े सम्राटों में गिने जाते हैं जिन्होंने रूस की सीमा को अजोव सागर तक पहुंचा दिया था। दरअसल पुतिन अपने देश की जनता को ये बताना चाहते हैं कि उन्होंने यूक्रेन में युद्ध लड़कर एक बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल की है और उनकी उपलब्धि भी रूस के ग्रेट किंग पीटर द ग्रेट की तरह ही काबिले तारीफ है। 1682 से 1725 तक पीटर द ग्रेट रूस के सम्राट रहे और शायद अब पुतिन भी यही चाहते हैं कि रूस की जनता उनके नाम के आगे भी पुतिन द ग्रेट लिखे। पुतिन की ये उपलब्धि वाकई में अहम तो जरूर है क्योंकि अजोव सागर अपने लोकेशन की वजह से सामरिक दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है। दुनिया के नक्शे में ये है अजोव सागर जिसका एक सिरा क्राइमिया से छूता है, जिस पर पुतिन का कब्जा है और जिसके पास ही है काला सागर। काला सागर पार करना है तो उससे पहले अजोव सागर पर कब्जा होना बहुत जरूरी है। इसी नक्शे को जरा नजदीक से देखिए, ये है मारियोपोल का बंदरगाह जिसका कब्जा मारियोपोल पर होगा उसका कब्जा अजोव सागर पर भी होगा क्योंकि मारियोपोल का बंदरगाह अजोव सागर के तट पर ही है।